हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आ रखे हैं नीलकंठ मंदिर। तो आज का जो व्लॉग है ये स्टार्ट हम करते हैं नीलकंठ मंदिर से। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगता है गाइस, तो लाइक एंड कमेंट शेयर ज़रूर करना। तो अभी हम जाएंगे ऊपर के साइड, आपको आवाज़ें भी आ रही होंगी। मंदिर में पूजा हो रहा है, शायद भजन चल रहे हैं मंदिर में। तो हम जा रहे हैं अभी ऊपर के साइड। सो गाइस, हम फाइनली श्रीकंठ मंदिर पहुंच गए हैं और यहां से 100 मीटर आगे ही है। तो हम यहां पर एक शॉप में रुके थे प्रसाद लेने के लिए और हमने गाड़ी भी यहीं पर ही पार्क किया है। अरे हाँ, गाड़ी से याद आया, एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर आप यहाँ पर मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं तो लोग ना काफ़ी, जो पार्किंग वाले लोग हैं वो आपको मंदिर से 1 से 1.5 किलोमीटर पहले ही रोकेंगे और बोलेंगे कि आगे पार्किंग नहीं होगा। बट आपको उनकी बातों में नहीं आना है और अंदर की तरफ आप आओगे, मंदिर के पास में ही जो है पार्किंग है वहाँ पर काफ़ी सारे, तो आप यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। अगर आपने पहले किया तो आपको 1 से 1.5 किलोमीटर पूरा चल के यहाँ पर आना पड़ेगा। तो यहाँ पर मंदिर के सामान जगह जगह पे मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको मंदिर के पास ही मिलेगा, मंदिर से पहले और मंदिर के बगल में ही भी आपको यहाँ पर जो है काफ़ी सारे शॉप मिल जाएंगे। तो नीलकंठ मंदिर का जो रास्ता है वो सीधा सीधा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग यहाँ से लोगों से पूछ के गए थे, जहाँ पर शॉप है शॉप वालों से पूछा था, और लोग वैसे भी जा रहे थे दर्शन के लिए, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, तो गली गली के अंदर और फिर ऐसा ही यहाँ का रास्ता है। तो आप भी अगर जाते हो तो आप पूछ के जा सकते हो। यहाँ पर वीडियो बनाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, वहाँ पर लिखा हुआ भी है, बट मैंने छोटी सी क्लिप ले ली थी। तो यहाँ पर सिर्फ मंदिर में जो है फूल चढ़ेगा और जल चढ़ाते हैं, उसके अलावा जो बाकी का प्रसाद है वो नीचे अलग से बना रखा है उसके लिए। तो नीचे वहाँ पर हम धूप भी जलाएंगे और जो प्रसाद है वो भी चढ़ेगा। तो यहाँ पर जो है प्रसाद चढ़ेगा, प्रसाद चढ़ने के बाद अलग से दे रखा है यहाँ पर, मैं आपको बताती हूँ अभी। यहाँ पर लोग धूप जला रहे हैं, फ़ोटो भी मिलता है, फ़ोटो भी यहीं पर चढ़ा के यहीं पर ही धूप जलाना है। चार ले ले, एक ही प्लेट ले लो, एक ले। हाँ, उसी में होंगे, वॉलेट में होंगे। तो ये लग रहा है जो पहाड़ में वो बनता है ना गांव का नमक, ये वो है ना, या फिर कुछ और है, लाल, ये लाल मिर्च, नहीं नहीं ये वो नहीं, एक गांव का है, ये के पत्ते से खाएंगे। अच्छा, थैंक यू। तो मैं यहाँ पर अखरोट ले रही थी क्योंकि मुझे बहुत बहुत पसंद है और मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ भी रही थी कि मुझे बस ऋषिकेश में अखरोट मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर ऑर्गेनिक होता है, बहुत बहुत टेस्टी होता है यहाँ का। तो मैं लेके जा रही हूँ यहाँ से। वाओ, यहाँ का व्यू कितना प्यारा है। तो हम यहाँ पर आ रखे हैं अपना थोड़ा सा लंच करने के लिए। हमारे दर्शन पूरे हो चुके हैं और हम मंदिर से आते हुए यहाँ पर बीच में एक रेस्टोरेंट पड़ता है, तो हम यहाँ पर लंच करने के लिए रुके हुए हैं। और यहाँ से बाहर का भी इतना प्यारा दिख रहा है, ये पौड़ी गढ़वाल है, तो हम पौड़ी गढ़वाल में घूम रहे हैं। ये देखो मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।
और थोड़ा बड़ा बड़ा नहीं खाते वक्त प्लेट तो बताओ मैं तरीके से खाऊंगी। गाइस हमारा खाना पीना सब कुछ हो चुका है, अब यहाँ से हम जा रहे हैं घर की तरफ यानी कि दिल्ली की तरफ। तो आज का व्लॉग बस यहीं तक, अगर आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।